अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जावेद अली, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपना वास्ट टाइम जो जेन्युइन तरीका है वो आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। आज मैं आपको जेन्युइन तरीके से आपको वास्ट टाइम कंप्लीट करने का तरीका बताऊंगा। टाइम लगेगा, कोई भी वीपीएन की ज़रूरत नहीं है, कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ना RTP या कुछ भी बाय करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको जेन्युइन तरीके से बताऊंगा और बिल्कुल फ्री बस। लेकिन आपको वो आपके पीसी पे डिपेंड करता है कि आपका पीसी कितना स्ट्रॉन्ग है, उसमें रैम कितनी है कि वो गूगल क्रोम की शॉर्टकट क्रिएट करें तो वो कितने क्रोम को सपोर्ट कर सकता है। अगर आपका पीसी स्ट्रॉन्ग होगा तो आप 15 दिन में या 1 महीने में वास्ट टाइम कंप्लीट कर सकते हैं और ये कभी भी ड्रॉप नहीं होगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, कभी भी ड्रॉप नहीं होगा। अगर ड्रॉप हो गया तो मेरे कान पकड़ लेना। मैं तकरीबन अपने चैनल का 3000 वॉच टाइम इस तरीके से कंप्लीट किया, लेकिन मुझे टाइम लग रहा है डेली के हिसाब से 50, 60, 100 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट करता हूँ। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। मैं वो आपको तरीका बताने वाला हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं अपना जेन्युइन तरीके से वॉच टाइम, ठीक है। उसके लिए आपको मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। ये आप देख रहे हैं, जैसे मैंने कंप्यूटर की स्क्रीन ओपन की, ये आपके सामने टैब नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये जैसे मैंने पहला टैब ऑन किया, यहाँ पे youtube.com ओपन करूँगा, ओपन हो रहा है, ठीक है, ये ओपन हो गया। तो यहाँ पे अगर आपने जिस चैनल पे वॉच टाइम बढ़ाना है उसको यहाँ पे सर्च करना है, जिस चैनल पे आप वॉच टाइम बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे ये मेरा दूसरा चैनल है, यहाँ पे JD बक्सी सर्च कर लेता हूँ, ये ओपन हो गया, ठीक है। तो अभी मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, मैं इसका वॉइस ये ऑफ कर लेता हूँ, आवाज़ नहीं चले। यहाँ पे जैसे ये मेरा चैनल ओपन हो गया, ठीक है, यहाँ पे कोई भी मैं वीडियो उठा लेता हूँ। आपने कोशिश करना है कि ज़्यादा मिनट्स की हो, ठीक है। ये जैसे मैंने 9 मिनट्स की वीडियो उठाई है, तो इसको मैंने जैसे ओपन किया ये ओपन हो गई। सबसे पहले आपने इसका आवाज़ बंद कर लेना है, फिर आप यहाँ पे इसको 25 पे रखना है, ठीक है। इसका जो अभी वीडियो है ना, बिल्कुल स्लो चलता रहेगा, आपका वॉच टाइम बढ़ता रहेगा। फिर आपको यहाँ पे रेजोल्यूशन कम करनी है, इसको 144 पे रखना है। 144 पे रखेंगे तो आपका इंटरनेट है वो आपका बिल्कुल यानी कि कम यूज़ होगा और आपका वॉच टाइम भी बढ़ता रहेगा। फिर ये देखो, ये मैंने एक टैप कर लिया, आप इसको मिनिमाइज कर लिया, फिर दूसरा इसी तरीके से आप दूसरा भी कर सकते हैं। जैसे ये मैंने दूसरा ओपन किया, फिर इसको भी इसी तरह मुझे करना है, ठीक है। पहले मुझे वॉइस पर कर लेनी है, फिर मुझे यहाँ पर 0.25 पे रखना है, फिर यहाँ रेजोल्यूशन 144 पे रखनी है, फिर इसको टैप करना है, फिर दूसरा टैप ओपन करना है। यानी आपने इसी तरह करते रहना है। जितने आप अपने पीसी पे टैब शॉर्टकट बनाए हैं, मैंने तो तकरीबन 13-14 शॉर्टकट बनाए हैं। डेली के हिसाब से अगर मैं 4-5 घंटे कर लेता हूँ तो मुझे 40-50 घंटे डेली मिल जाते हैं। इस तरीके से वॉच टाइम कंप्लीट करते जाएंगे। मैंने तकरीबन अपने चैनल पे इसी तरीके से 3000 वॉच टाइम कंप्लीट कर लिया है। तो ये ड्रॉप नहीं होते, आप दूसरे तरीके से बाय करते हैं, पैसे भर के बाय करते हैं, 3-4 हज़ार 5 हज़ार बाय करते हैं, लेकिन वो 1-2 दिन में ड्रॉप हो जाते हैं। वो VPN यूज़ करते हैं, तरह तरह का काम करते हैं, VPN यूज़ करते हैं, उससे YouTube का एल्गोरिथम है वो पकड़ लेता है। ये इससे यानी आपको बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, ये बिल्कुल सिक्योर है। मैं तकरीबन इसको तकरीबन मैं 7-8 महीने से कर रहा हूँ, मेरा बिल्कुल भी ये मेरा कोई भी वॉच टाइम ड्रॉप नहीं हुआ। जैसे ये मैंने आपको ये देख रहे हैं ना, इस तरीके से जैसे मैंने बताया, तो पहले आपको इसका वॉइस बंद कर लेना है, प्लेबैक स्पीड है ना 0.25 पे रखना है, 25 पे, तो ये प्लेबैक स्लो चलता रहेगा। आपका वॉच टाइम जैसे 9 मिनट का है वीडियो, तो आपका तकरीबन 9-9-18 हो गए, तो 18 मिनट्स आपके मिल जाएंगे। और फिर आपको इसको लास्ट में लूप पे रखना है, ये वीडियो अगर ख़त्म हो जाएगा तो फिर वापसी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में क्या करना है, कंप्यूटर में कंट्रोल एच दबा के इसकी जो हिस्ट्री है वो क्लियर करनी है, जैसे ही आप देख रहे हैं, जैसे कच्ची क्लियर करनी है, फिर आपको दूसरे दिन फिर स्टार्ट करोगे, फिर आपका चल जाएगा, कोई मसला नहीं है इसमें, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं करना। कंट्रोल एच करके सिर्फ हिस्ट्री क्लियर करनी है, उसके बाद आपको फिर दोबारा स्टार्ट करना है। टैब क्रिएट करने के लिए जैसे आप सामने लोगो देख रहे हैं,
ठीक है, जैसे ये मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे इस पर क्लिक करके फिर नीचे आप ये देखो मैंने टैब क्रिएट किया ना, आप नज़र आ रहा है नीचे, तो फिर नीचे यहाँ पे आपको आइकन नज़र आ रहा है एड प्लस का, आप इस पर क्लिक करें, फिर नीचे आप यहाँ पे देखो पी नंबर दे, जैसे मैं 40 दे देता हूँ, फिर इसको ओके कर लेता हूँ, ये क्रिएट हो गया। ठीक है, इसे हटा लेता हूँ, फिर यहाँ पे आता हूँ, जैसे यहाँ पे क्लिक किया ये देख रहे हैं आप, तो ये यहाँ पे 40 वाला शॉर्टकट क्रिएट हो गया। फिर इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ये देखो ओपन हो गया। ठीक है, तो अब ये इसमें मैं कोई लिंक खोल लेता हूँ, तो इसमें आप इसमें कोई लिंक खोल लेता हूँ, ये देखो खोल गया। इस तरीके से आप शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं, दूसरे वे भी हैं, लेकिन मैं ऐसे कर लेता हूँ, आप जिस तरीके से चाहें कर लें, कोई मसला नहीं है। तो ये तरीका था, आप इस तरीके से यूज़ करें, आपका वॉच टाइम कभी भी ड्रॉप नहीं होगा। टाइम लग सकता है, तकरीबन एक महीना 20 दिन 25 दिन टाइम लग सकता है, लेकिन ये वॉच टाइम कभी भी ड्रॉप नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ ये वॉच टाइम कभी भी ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि ये मैंने आजमाया हुआ है, मैं ये अभी कर रहा हूँ। आप अपनी कंट्री में बैठ के, किसी भी कंट्री में बैठ के यहाँ पे ये जो जेन्युइन तरीका है इस तरीके से कर सकते हैं। सिर्फ आपको अपनी हिस्ट्री क्लियर करनी है और कुछ भी नहीं करना, ना VPN यूज़ करना है ना कुछ, ना अगर VPN यूज़ करेंगे तो आप जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है वो उसको पकड़ लेता है, फिर आपका वॉच टाइम है ना वो ड्रॉप हो जाता है। आप इस तरीके से सिर्फ हिस्ट्री क्लियर करनी है, फिर अपना काम दूसरे दिन स्टार्ट करना है। तो आप दूसरे दिन जैसे आपका अगर सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो आप अपने डेली 100 वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हैं, 200 कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप डेली 200 वॉच टाइम कंप्लीट करते हैं तो आपका 15 दिन में 6000 वॉच टाइम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हैं। उम्मीद है ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बस लास्ट में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।